स्वागत है व्यूअर्स आज की इस वार्ता में। व्यूअर्स आज की वार्ता विशेषकर ध्यान पर केंद्रित है। आप अगर मेरा अनुभव पूछें तो मैं यही बताऊंगा कि आप में से जिस किसी ने भी ध्यान को जान लिया उसने अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। हम सब बीज हैं और इस बीज के अंदर बहुत सारी संभावनाएं, असीमित संभावनाएं छुपी पड़ी हुई है। वो असीमित संभावनाएं तभी अंकुरित होगी जब आप उस बीज को लगाकर उसमें पानी दोगे, खाद दोगे, ठीक से रख रखाव करोगे, यानी कि ध्यान करोगे। एक छोटा सा बीज एक बहुत बड़े वृक्ष के रूप में उत्पन्न हो जाता है। हमारे सभी में लाखों करोड़ों लोग ऐसे आते हैं इस संसार में, वे सारे बीज हैं और उन सब में संभावनाएं, पोटेंशियलिटी बड़ा पेड़ बनने का रहता है। लेकिन डिवाइन ब्लेसिंग्स, दिव्य कृपा, पूर्व जन्म का पुण्य फल ना होने की वजह से इंद्रियां तृप्ति तक रह जाते हैं, ध्यान का प्रसाद नहीं मिल पाता और बीज अंकुरित नहीं होता, बीज वटवृक्ष नहीं बन पाता। बड़े बड़े महात्माओं को देखिए, छोटे से बीज से दुनिया को अपनी ओर अपनी वाणी से इन्होंने आकर्षित किया, रूपांतरित किया। इसके पीछे सबसे बड़ी शक्ति ध्यान की ही थी। मेरे जीवन का एक बहुत लंबा समय ध्यान में गया, अधिकतर समय ऋषिकेश, गया, हरिद्वार में यात्रा करता रहा। बहुत सारे अनुभव आपको ध्यान में प्राप्त होते हैं। कई लोग पूछते हैं कि भाई ध्यान में कैसे पता चला कि ध्यान में ईश्वर के साक्षात्कार हो गए हैं और हम सही जा रहे हैं। ये व्यूअर्स आपको पूर्ण शांति का अनुभव होगा, जैसे कोई झील शांत हो जाता है वैसे ही आपकी इंद्रियां तृप्त हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, किसी भी प्रकार का विचार आपको विचलित नहीं कर पाएगा। यही जो बैलेंस है, मेंटल बैलेंस है, ये इंडिकेट करता है जो गॉड पावर है वो आपके शरीर के अंदर ही विराजमान है, वो आपसे कनेक्ट होना चाहता है। जब आप ध्यान की अवस्था में, साइलेंस की अवस्था में पहुंचते हो, एकांत में रहते हो, बोलते कम हो, तो ही नेचर यानी कि प्रकृति आपसे बात करती है और कई प्रकार के रहस्य, सीक्रेट्स ऑफ द नेचर आपको बतलाती है, डिस्क्लोज्ड होता है। जब तक आप ध्यान में नहीं बैठोगे, चेष्टा नहीं करोगे, तब तक आप कई गुप्त रहस्य पावर को नहीं समझोगे। मैं यही कहूँगा व्यूअर्स, ध्यान कुछ और नहीं, बस मौन अवस्था में तुम्हारा मन है, हमारा मन है। जैसे कि कोई झील शांत हो, उसमें कोई लहर ना हो, विचार लहरें हैं, ध्यान है विश्राम। मन चीज़ों की बहुत जटिल मत बनाओ, मन का कुछ ना करने की अवस्था में बस विश्राम पूर्ण होना ध्यान है। कुछ भी सोचो मत, मन को विश्राम करने दो ताकि आगे की यात्रा, मुक्ति का मार्ग आपको मिल सके। जिस क्षण मौन शांति मन को मिल जाए तो मेरी बात याद रखना, आप की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव
परमात्मा ईश्वर मालिक ने कनेक्ट करना शुरू कर दिया है। जिन्हें तुम पहले कभी ना समझ पाए थे, ऐसी शांति, ऐसा पीस, जो भी द्वंद्व पहले चलता था वो ध्यान के बाद अचानक समाप्त क्यों हो रहा है, तो समझ लेना ईश्वर आपसे जुड़ना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है। कोई तुम्हें समझा नहीं रहा, बस तुम्हारी दृष्टि की निर्मलता ही चीज़ों को स्पष्ट कर देती है। गुलाब होता है, पर अब तुम इसकी सौंदर्य को बहुआयामी ढंग से जानते हो। तुमने इस कई बार देखा यह बस एक साधारण गुलाब था, यानी कि पर आज ये साधारण नहीं रहा, आज ये असाधारण हो गया, क्योंकि दृष्टि में एक स्पष्टता और निर्मलता है। तुम्हारी अंतर्दृष्टि पर से धूल हट गई है और गुलाब के पास एक आभामंडल है जिसके बारे में तुम पहले सजग ना थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? गुलाब के फूल को आप पहले भी देखते थे, लेकिन जब ध्यान की शक्ति प्राप्त हुई तो आपको गुलाब के आसपास कई चीज़ें समझ में आने लग गई, जो ना मैं समझा सकता हूँ ना साइंस समझा सकती है। वो केवल ध्यान पर जाने में ही आपको स्पष्ट होगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि ध्यान की अच्छी अवस्था में तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे बाहर की हर चीज़ सफटिक सदृश स्पष्ट हो जाती है, और जैसे जैसे समझ अपने आत्यंतिक बिंदु पर पहुंचती है, प्रकाश का एक विस्फोट हो जाता है। स्पष्टता अपनी चरम सीमा पर प्रकाश का एक विस्फोट हो जाती है, जिसे हम संबोधि कहकर पुकारते हैं। ये बस उस स्पष्टता की प्रखरता ही है कि अंधकार विलीन हो जाता है। ये इसलिए कि तुम इतना स्पष्ट देख सकते हो कि वहाँ अंधकार होता ही नहीं। ऐसा अनुभव तुमने जीवन में कभी नहीं किया होगा, और ध्यान का ये अनुभव मिलने के बाद आगे की यात्रा शुरू हो जाती है। बाकी चीज़ें अपने आप उसके पीछे दौड़ने लगती है। झील में अगर नीचे क्या पड़ा हुआ है, अगर कोई पत्थर मोती भी पड़े हुए हैं, तुम्हें वो स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। मैं ही कहूँगा व्यूअर्स, हम सब भलीभांति जानते हैं कि ऐसे पशु भी हैं जो अंधेरे में भी देख सकते हैं, उनकी आंखें अधिक स्वच्छ, अधिक पैनी होती है। हमारी अंतर्दृष्टि इतनी पैनी हो जाती है कि हम सब अंधकार विलीन हो जाता है। दूसरे शब्दों में, हमारे ऊपर प्रकाश का एक विस्फोट हो जाता है। इसे संबोधि कहो, मुक्ति कहो, अनुभूति कहो, पर फिर भी तुम तो इसके बाहर ही होते हो। ये तुम्हारा अनुभव है और तुम अनुभव करने वाले हो। यह एक वस्तुगत अनुभव है। हम तो एक आत्मचेतना हो, हम तो एक आत्मचेतना है। तुम जानते हो कि यह सब घट रहा है, इसलिए उसका भी अतिक्रमण करके संबोधि के भी पार हो जाना है। उस चोटी पर, उस एवरेस्ट पर केवल साक्षी भाव, बस शुद्ध साक्षित्व, किसी चीज़ के प्रति सजग नहीं, किसी चीज़ के प्रति साक्षी नहीं, बस एक शुद्ध दर्पण, किसी चीज को प्रतिबिंबित करता हुआ नहीं। ये सब सजीव रूप से संबंधित है। एक एक कदम चलो, दूसरा कदम फिर स्वतः ही आ जाएगा। ध्यान की एक स्थिति आने के बाद अनगिनत स्थितियां अपने आप आने लगती है। मैं मानता हूँ ध्यान की स्थिति प्राप्त करने के लिए नित्य पूजा पाठ, दान पुण्य, सत्संग, चेष्टा, आत्म शुद्धि का प्रयत्न और पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का कर्मफल भी साथ चलता है। आइए चलते हैं ध्यान की इस दिव्य यात्रा में। कुछ कम शब्दों में मैंने व्यूअर्स आपके लिए बहुत कुछ कह दिया है,
जो मुझे मेरे गुरुओं ने पिछले लंबे समय में ऋषिकेश, हरिद्वार, गया एवं कई ऐसे धार्मिक स्थान हैं जहाँ पर लोग ध्यान करने जाते हैं, विशेषकर ऋषिकेश में जहाँ मैं अक्सर जाया करता हूँ। और एक बार ध्यान की स्थिति प्राप्त होने के बाद जो आनंद और जो सफलता आप देखोगे उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। आज आप चीज़ें की ओर दौड़ रहे हैं, प्राप्ति के बाद भी मन अशांत है। अगर एक बार सही ध्यान, सही शक्ति को समझ गए, फिर जो नशा आपके पास आएगा उसकी तुलना में कोई नशा दुनिया में नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ ध्यान की छोटी सी वार्ता को आप सब की आत्म जागृति के लिए प्रार्थना करते हुए यहीं विराम देता हूँ। एक ही विनती है सबसे, ध्यान करिए, इससे आपका दुख भी कम होगा और प्रभु परमात्मा लॉर्ड मालिक का रास्ता भी आपको मिल जाएगा। इंद्रियों की ओर जितना भागेंगे उससे दुख और ज़्यादा तीव्र गति से वापस आएगा। जो आपके भाग्य में है वो आपके पास आएगा ही, वो कहीं नहीं जाएगा, और जो आपके भाग्य से जाना लिखा है वो आप उसको रोक नहीं सकते। सम बनकर रहना है, सम में अगर पूर्ण समता आ जाए वो ध्यान के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। ओम शांति, सबका मंगल हो।